हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सी ये सॉक्स बनानी सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको टू कलर में बनाया है। ये एंकल लेंथ में बन के कम्प्लीट हुई है। और ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है। इतना ही हमने इसमें जॉइंट लगाया है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो नीचे का हिस्सा है, ये हमने सारा सिलाई से ही ये बनाया है। इसमें कोई भी जोड़ नहीं है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। किसी भी आप चप्पल स्लीपर में आप इसे पहन सकते हो। और फ्रेंड्स, इसी डिज़ाइन में मैंने अंगूठे वाली सॉक्स भी बनाई हैं। अगर आपको अंगूठे में बनानी है तो आप अंगूठे वाली सॉक्स भी बना सकते हो। इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें बिना अंगूठे की इसी डिज़ाइन में बना के दिखाइए, तो मैंने बिना अंगूठे की बनाई है ये इस स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बनानी है, सीखनी है, तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। बनाने में बहुत आसान है। और अगर आपको ये पसंद है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के डाल के बताऊँगी। ये देखिए, ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। जैसे आपको डालने आते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हो। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके के फंदे मैं आपको बताऊंगी। बॉर्डर मैंने इसका बना के रेडी कर रखा है। तो मैंने कैसे बनाया है बॉर्डर को, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से आप इसमें 55 फंदे डाल लीजिए। 55 फंदे डालने के बाद इसकी आप यहाँ पर नोट लगा लीजिए, ताकि ये हमारा यहाँ पे टाइट हो जाए। मर्जी है आपकी, लगा सकते हो या मत लगाना। ये देखिए, ऐसे आपका ये टाइट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, हम ऐसे बनाएंगे, एक उल्टा थ्रेड पीछे करेंगे, सीधा थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा थ्रेड पीछे करेंगे, सीधा थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, उल्टा थ्रेड पीछे करेंगे, सीधा एक उल्टा एक सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे। पूरी रो आपने इसी तरीके से उतारनी है। और जो इस साइड से उल्टा है, वो इस साइड से हमें सीधा बनाना है। अब देखिए, लास्ट किनारे का फंदा हम सीधा बना देंगे, पलट लेंगे। ये देखिए, इसमें इसको हम ऐसे उतार लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे। अब ये देखिए, ये उस साइड से उल्टा था, तो इस साइड से हमें इसको सीधा बनाना है। थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए, ये सीधा था, तो ये इस साइड से हमने उल्टा बनाना है। एक उल्टा एक सीधा बनाना है, लेकिन जो उस साइड हमने उल्टा बनाया था, वो इस साइड हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब आप दूसरी रो बनाओगे, तो ये साफ साफ ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, किनारे का हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, अब इस साइड से फिर से आपने इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए, ये हमने उल्टा बनाना है, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा। इसी तरीके से आपने बॉर्डर बना के तैयार करना है। जितना भी आपको चौड़ा पसंद है बॉर्डर, कि जो भी आप लेंथ रखना चाहो अपनी पसंद से, उतना ही आप ये बॉर्डर बना लीजिए। ये देखिए, ये बॉर्डर मैंने 55 फंदे से बना के कंप्लीट कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी देखिए सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हम इस रो को बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। जो उल्टा फंदा है, उसको भी हम सीधा बना लेंगे। पूरी रो हम ऐसे ही सीधी सीधी बनाएंगे। ये देखिए, तो पूरी रो में उतार के इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, सीधी साइड से मैंने इस रो को बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी उल्टी साइड है, तो यहाँ से देखिए, मैंने इसमें एक कलर और ऐड कर लिया है। देखिए, एक, इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात,
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस। छब्बीस फंदे मैंने ये बना लिए। एक फंदा हम ऐसे बिना बना उतार लेंगे, एक ये बना लेंगे और एक और ऐसे उतार लेंगे। और इस साइड देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। छब्बीस फंदे हमारे इस साइड बच गए और ये छब्बीस फंदे हमारे इस साइड, बीच में हमने ये तीन फंदे लिए हैं। इस साइड के भी ये फंदे मैं सारे ही बना के इस रो को मैं कंप्लीट करूँ। ये देखिए, अब सीधी साइड है, सीधी साइड से हम ऐसे ये 26 फंदे में सीधे सीधे बना लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे हम एक फंदे से यहाँ पे नीचे वाले से इसमें से, ये देखिए, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ से एक रो नीचे से इस होल में से। अब ध्यान से देखिए, इसमें से हम यहाँ पे, ये देखिए, एक लपेट लिया, दो बना दिया, तीन लपेट दिया, चार बना दिया, पाँच लपेट दिया, छः और बना दिया सात। सात फंदे हमने इसमें से, ये देखिए, बना दिए हैं। इसको ऐसे ही उतार लेंगे और आगे के फंदे हम पूरी रो ये ऐसे ही बना के 26 फंदे और इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए, अब पलट लेंगे इस साइड से इस रो को मैं। अब हम फिर से अपना रेड थ्रेड लगाएंगे तो देखिए पूरी रो में इससे बना दूंगी। उल्टा उल्टा बनाएंगे, सीधी तरफ से हम इसको सीधा बनाएंगे, उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए रेड वाले फंदे को भी हम उल्टा, इसको भी उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, और ये भी हम ऐसे ही उल्टे बना देंगे। ये देखिए, एक एक करके आराम से बनाइएगा। ये देखिए, और ये आगे के भी मैं सारे ही फंदे बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, इस साइड से मैंने रो को उतार लिया है, अब सीधी साइड से भी हम इस रो को, ये देखिए, पूरी रो को हम बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल बनाएंगे।
इस बार हम इसमें कोई फ्लावर नहीं बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही ये सारे फंदे मैं बना के इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सीधी साइड से मैंने इस रो को उतार लिया है। अब बैक साइड से एक कलर से हम दो रो ही बनाएंगे। फिर से मैं इसमें वाइट थ्रेड लगा लूँगी, ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस। पहले हमने छब्बीस फंदे लिए थे इसमें। ये देखिए, ये हमने बीच में एक एक फंदा हमने ये बिना बना ऐसे उतारा था, और ये बीच में हमारे देखिए सात फंदे आ गए हैं। तो अब देखिए तीन फंदे हम इस साइड ऐड कर लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे इस साइड ऐड कर लिए। अब ये हम स्लिप कर लेंगे, इसको हम बना लेंगे, ये फिर हम स्लिप कर लेंगे, और ये तीन फंदे ये देखिए एक दो और तीन, ये हमारे बड़े हुए फंदे। इस तरीके से हमने इनको लेना है हर बार। ये सेंटर का फंदा हमारा बीच में आएगा, ये वाला ये बीच में आएगा, बिल्कुल तीन फंदे इस साइड ऐड हो जाएंगे, तीन फंदे इस साइड ऐड हो जाएंगे, ये देखिए। और ये इस साइड के, ये देखिए तीन फंदे हमारे ऐड हो गए, इस साइड के हमारे 26 फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह। ये 26 फंदे हैं हमारे, तीन फंदे हमने इसमें ये ऐड कर लिए, जो हमने एक फंदे से सात फंदे बनाए थे। तो तीन फंदे इस साइड आ गए, तीन फंदे इस साइड, और एक हमारे ही बीच में आ गया। और ये पूरी रो हम इसी तरीके से उतार के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सीधी साइड से ये सारे ही फंदे मैं बना लूँगी, ऐसे सीधे सीधे मैं यहाँ तक इनको बना लूँगी। 29 फंदे हमारे, ये देखिए 29 फंदे हमने ये सीधे सीधे बना लिए हैं। अब देखिए इस फंदे को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। ये फंदा है इसके यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इसको, ये देखिए एक एक बार बना लिया, लपेट लिया, दो सॉरी बना दिया, तीन लपेट दिया, चार बना दिया, पाँच लपेट दिया, छः और ये बना दिया सात। ये देखिए सात फंदे हमने फिर से बना लिए हैं, इसको उतार लेंगे। और ये आगे के 29 फंदे 29 फंदे हम सीधा सीधा बना के मैं इस रो को कंप्लीट करूँ। ये देखिए सीधी साइड से इस रो को हमने उतार लिया है। अब बैक साइड से दो रो हमारी इस कलर से हो गई हैं। अब फिर से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, एक कलर से हमने दो रो ही बनानी है। ये देखिए ये सारी रो हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बनानी है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, एक बार यहाँ से फिर से आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखिए बीच में आ गए हैं हम, ये फंदे भी हम सारे उल्टे बना लेंगे। ध्यान से देखिए, ऐसे आराम से इसको बना लीजिएगा आप, एक देखिए कोई फंदा छूट ना जाए, दो तीन चार पाँच छः और ये सात। इसको भी हम ऐसे ही पूरी रो हम इसी तरीके से बना के इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये हमने सीधी साइड से इस रो को हम सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये फ्लावर बनते जाएंगे। तो इस रो को मैं सीधा उतार के
और बैक साइड से भी मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। एक बार फिर से मैं इस फ्लावर को आपको बना के दिखा दूंगी ताकि आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं ये इस साइड से, सीधी साइड से और बैक साइड से यहाँ तक ये रो मैं बना लूँगी। ये देखिए 26 फंदे हमने जो हमने सबसे पहले लिए थे 26, फिर 3 हमारे इस फ्लावर में बढ़ गए थे। ये देखिए इस तरीके से आपने इनको काउंट करना है। हर बार हमारे 3-3 फंदे बढ़ गए। ये देखिए 29 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए थे। अब देखिए इस फ्लावर के भी ये हमारे 1-2-3 फंदे हमारे और बढ़ गए। ये देखिए इसको हम बिना बना ऐसे उतार देंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है जिस पे हम अगला फ्लावर बनाएंगे और इसके साइड का भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा बीच सेंटर का है और ये 3 फंदे हमारे इस बार के इस साइड ऐड हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके ये फ्लावर बिल्कुल बीच सेंटर में बनते जाएंगे। ये देखिएगा तो इसी तरीके से आपने इनको बनाना है। हर फ्लावर में हमारे 3 फंदे हम इस साइड ऐड कर लेंगे, 3 फंदे हम इस साइड ऐड कर लेंगे और ये बीच में हम ऐसे ही फ्लावर इसमें बनाते जाएंगे। जितनी भी आपको लेंथ बनानी है इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लावर मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये 6 और 7 नंबर पैर के लिए आराम से आ जाएगी क्योंकि मैंने, और आपको अगर छोटी बनानी है तो फ्रेंड्स ये फ्लावर आप कम कर लीजिए। ये आप 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, जिस हिसाब से आपको बड़ी और छोटी बनानी है। तो यहीं से हमारे फंदे बढ़ते हैं और यहीं से इसकी लेंथ लंबी हो जाती है। तो छोटी बनानी है तो कम फ्लावर डाल लीजिए, बड़ी बनानी है तो ज़्यादा फ्लावर डाल लीजिए। तो देखिए ये हम सीधी साइड हैं। अब देखिए हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए अब हम सीधी साइड हैं तो सीधी साइड से ऊपर अब हम एक ही कलर का यूज करेंगे जैसे हमने बॉर्डर बनाया है रेड कलर का। तो इसी साइड से हम ये देखिए ये मैं ऐसे इसको उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब हम दोनों साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए तो पूरी रो में सारे फंदे, अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी रो में उल्टा उल्टा यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए इस साइड से मैंने सीधी साइड से उल्टी उल्टी रो उतार दी है। अब इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही उल्टी उल्टी रो उतारेंगे। पूरी रो में इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं इस रो को पूरा करूँगी। ये देखिए दो रो फ्रेंड्स मैंने उतारी हैं उल्टी उल्टी और ये हमारी एक लाइन बन गई है। दो लाइन मैं ऐसी और बनाऊंगी, टोटल मैं 4 रो दोनों साइड से और उतारूंगी, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। उसके ऊपर का फिर मैं बताऊंगी कि हमें कैसे बनाना है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस डिज़ाइन में अंगूठे वाली सॉक्स बनानी है तो उसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप इसको अंगूठे वाली भी बना सकते हो। तो मैं ये 4 रो इसमें उतार लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे 3 लाइन बन गई हैं। ये चौथी रो है मेरी सीधी साइड से। तो अब देखिए इसमें फ्रेंड्स मैंने इस साइड जितने भी आपके पास फंदे हों आप हाफ हाफ कर लीजिए और बीच में आप 11 फंदे एक्स्ट्रा रखिए। अब मेरे 46 फंदे इस साइड हैं और 46 फंदे मैं इस साइड लेऊंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमारे 40 हो गए और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 46 फंदे ये यहाँ तक हो गए। 46 फंदे मेरे ये इस साइड हैं और ये देखिए बीच के फंदे हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे हमारे ये बीच में हैं। तो
तो अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारहवां फंदा, ये इसके साथ हमने यहाँ पे दो का एक करना है और हमने यहीं से वापस मुड़ जाना। ध्यान से देखिए, एक फंदा हमारा इस साइड से कट गया, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारहवें फंदे के साथ एक हमने इस साइड से घटा दिया और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये हम बीच बीच के फंदे अब घटाते चलेंगे इसी तरीके से। फिर से देखिए, दोनों साइड से एक फंदा घटेगा, ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ग्यारहवां फंदा एक हम आगे से ये ले लेंगे। ये फंदे हमारे सारे ही घट जाएंगे, कम होते जाएंगे, एक फंदा इस साइड से। फिर हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, ये देखिए, ये हमारे पैर का नीचे का हिस्सा बन के कम्प्लीट होगा। फर्स्ट वाले को उतार लेंगे, देखिए इसके भी काउंट करेंगे हम, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये इसके साथ हम इस साइड से एक फंदा ले लेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक बार उस साइड से फिर से देखिए, फिर मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ग्यारहवां फंदा इस साइड से हम एक और लेके घटा देंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ से पैर की ये शेप बनने स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे फंदे हमारे फ्रेंड्स से कम हो जाएंगे, तीन फंदे मेरे इस साइड बच जाएंगे, तीन फंदे मेरे इस साइड बच जाएंगे। तब तक मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इस बार ये लेने के बाद एक फंदा हम घटा लेंगे तो तीन फंदे हमारे इस साइड बच गए, तीन फंदे हमारे इस साइड बच गए, ग्यारह फंदे हमारे बीच में हैं। ये देखिए, ये हमारा नीचे का पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए, बहुत ही सफाई के साथ ये हमारा बना है। तो अब देखिए, सॉरी, एक फंदा मेरा निकल गया। अब देखिए, इसको हम ऐसे ले लेंगे। अब ये फंदे भी हम साइडों के भी घटाएंगे और बीच के भी घटाएंगे। कैसे घटाएंगे वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, ये दो फंदे बच गए। अब हम फ्रेंड बीच बीच में से भी ये फंदे हम घटा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, दोनों साइड हमारे दो दो फंदे बच गए हैं। ये देखिए, एक फंदा हमारा इस साइड बच गया। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने दो का एक कर दिया।
ये देखिए दोनों साइड एक एक फंदा बच गया है और बीच के भी हमने बीच बीच में दो का एक करते हुए कम कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर हमारी एडी की शेप बनेगी। ये देखिए इस साइड के हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं। देखिए तीन फंदे बच गए हमारे, चार पाँच और एक ये छः, छः फंदे हमारे बच गए हैं टोटल। ये देखिए धीरे धीरे हमने इनको ख़त्म कर दिया है। अब ये सारे ही फंदे हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा थ्रेड मैंने काट दिया है जो हमारी सिलाई में काम आएगा। ये देखिए अब हम इसकी, ये देखिए ऐसे हमारी ये बनके कंप्लीट हो गई है। नीचे हमारा इसमें कोई भी जोड़ नहीं आएगा। अब हमने इसकी ऐसे सिलाई करनी है, बैक बैक के पार्ट की हमने इसकी सिलाई करनी है। ऐसे बिल्कुल ये लाइन से लाइन मिलाते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए सबसे पहले मैं ऊपर से इसकी, इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए जो चेन वाला फंदा है इसको हम ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। बाकी जैसे आपको आती है आप वैसे करिएगा। और ये लाइन से बिल्कुल हम ऐसे लाइन से लाइन मिलाते हुए इसकी मैं यहाँ नीचे तक इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको सीधा करके। ये देखिए इसकी मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधा करूँगी मैं इसको और पैर में डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल बैक साइड से हमने इसकी लाइन से लाइन इसकी मिलाई है। देखिए बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है। ये देखिए अभी मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए पूरा पैर इसमें कवर हो जाएगा। और ये देखिए नीचे का हिस्सा बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। देखिए फ्रेंड्स हमने बीच में नीचे से कोई भी इसकी सिलाई नहीं की है, सारे ही फंदे हमने सिलाइयों से बंद किए हैं। ये देखिए परफेक्ट इसकी बिल्कुल एडी की शेप आई है। पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा, एंकल लेंथ बनी है। और अगर आपको ये छोटा साइज बनाना है तो ये फ्लावर आप कम कर लीजिए, बड़ा बनाना है तो आप ये फ्लावर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल लीजिए। ऊपर आप इतने ही फंदे डालिएगा नहीं तो ऊपर की इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रेचेबल बनती है, किसी भी चप्पल स्लीपर में आप इसे पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।